नमस्कार दोस्तों, वेस्ट टू वंडर में आपका स्वागत है। आज हम बिना सुई धागे के, बिना सिलाई करे हम कपड़े, फटे हुए कपड़े को रिपेयर करना सीखेंगे। और इस प्रकार हमारे कपड़े, कई बार नए नए कपड़े कहीं उलझ के, कहीं कील में लग के, या कहीं कैसे भी इस तरह से फट सकते हैं। और अब इतने से कपड़े को फटने के कारण हम या तो उसे पहनना छोड़ दें या रफू करवा के पहने, तो यदि रफू करवाने का भी समय नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि घर पे ही इसको रिपेयर करेंगे। एक ऐसी बुकरम आती है जो एक साइड से प्लेन होती है और एक साइड से रफ होती है, उसको हम इस कटिंग के अकॉर्डिंग काट लेंगे। जितनी हमें ये बुकरम चाहिए हम उतना इसका काट लेंगे और काट कर और इसके ऊपर, इसके नीचे चिपका देंगे। जो प्लेन वाला हिस्सा है वो हम कपड़े के ऊपर टच करने कर देंगे, और टच करके और उसके ऊपर प्रेस को गर्म करके चलाएंगे। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर यदि कोई धागा है तो हम धागा काट लेंगे पहले, तो उसके जो कोई फटने के कारण इधर उधर धागा लटक जाता है तो उस धागे को हम पहले काट लेंगे। और उसके बाद हम प्रेस चला के और धीरे धीरे प्रेस को दबाव देते हुए और दबा दबा कर चलाएंगे, जिससे कि कपड़ा बुकरम कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाएगी और रिपेयर हो जाएगा कपड़ा हमारा। तो इस प्रकार हम कुछ समय के लिए चलाते रहेंगे दबा के, ताकि वो कपड़ा पेस्ट हो जाए। और कुछ सेकंड के लिए हम प्रेस को छोड़ भी सकते हैं। ये हमने कुछ सेकंड के लिए प्रेस छोड़ी और अब देखते हैं कपड़ा पेस्ट हो गया है बुकरम। यदि हमें लगती है कि बुकरम हमने कुछ ज्यादा बड़ी काटी है, यदि अभी भी धागा आपको दिखाई दे तो वो धागा भी हटा सकते हो आसपास का। और बुकरम जो हमें यदि लगता है कि बड़ी है अभी भी, तो हम बाद में भी उसको थोड़ी सी हटा के और काट सकते हैं। और जो बाकी की बुकरम है उसे हम एक बार फिर से प्रेस गर्म करके, और तो ये साइड से हमने हटा दी है और इधर से भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। इधर से हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो सब हटा देते हैं। और ये हमने एक्स्ट्रा बुकरम हटा दी है और अब हम एक बार फिर से इसके ऊपर प्रेस गर्म करके इसके लगा देंगे, ताकि वह ठीक से चिपक जाए और अच्छे से। तो ये अच्छे से पेस्ट हो गई है बुकरम। तो इस प्रकार हमने बिना सुई धागे के, बिना मशीन के हमने कपड़ा रिपेयर कर लिया है। और इस यदि हमारे पास समय नहीं है दुकान पर देखे आने का कपड़े को रिपेयर कराने के लिए, तो हम घर पे इस प्रकार हम 2 मिनट में रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा रिपेयर हो गया है कपड़ा। तो ये हो, हम इसको बहुत जल्दी हो गए, 2 मिनट में कर दिया है। और यदि हमारा कोई टॉप है जो कि हमारा हमें छोटा करना है और बिना सिलाई करे, जिसको हम नीचे से सिलाई भी नहीं कर, सिलाई मशीन नहीं है तो बिना सिलाई करे हम छोटा करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम उसके अंदर लंबाई में ये इस तरह से कट मार लेंगे सारे पूरे टॉप पर, जितना हमें छोटा करना है उतने लंबे कट का मार लेंगे। तो हमने सारे में कट मार लिए हैं और अब हम इन दो दो कटिंग को लेकर और गीठा लगा देंगे। इस प्रकार ये प्रोसेसर रिपीट करते चले जाएंगे, ये रिपीट करके और पूरे टॉप को हम बांध देंगे। इसके हमने बांध दिए हैं, सारे बांधने से ये एक नया लुक हो गया है और ये नया लुक काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह बांध कर आप पजामे की लेंथ भी छोटी कर सकते हो कटिंग करके, और दो दो फीते बांध दीजिए
और इसी प्रकार यदि बाजू भी छोटी करनी है तो बाजू भी कटिंग कटिंग करके और बांध दीजिए तो वो भी छोटी हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप कोई भी टॉप पजामा छोटा कर सकते हो और नया लुक भी हो जाएगा और वो छोटा भी होगा। तो ये इस प्रकार बंधने के बाद ये दिख रहा है। वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक